आप सभी लोग भी जो प्रधानमंत्री साहब मन की बात करते हैं इसे अक्सर सुनते रहते हैं। आज से कुछ साल पहले जब इन्होंने शुरू की थी मन की बात की बात, तब हम लोग बहुत मन से सुनते थे। और मैंने भी तब से जब से इन्होंने शुरू की थी तभी से मैं सुन रहा हूँ। तो उस समय मैंने देखा था, इस बात का मैं खुद गवाह हूँ एक तरह से, कि पहली बार हमारे प्रधानमंत्री साहब ने जब इस तरह की कोई मुहिम छेड़ी थी, उस समय आपने देखा होगा कि लाइक और डिसलाइक में आपको, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि पसंद और नापसंद में लोगों का, मतलब आप कह सकते हैं कि ना के बराबर हुआ करते थे। देखिए यहाँ आज लाइक है 50,000 और यहाँ अनलाइक कितने हैं, 1,40,000। आपको समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि मन की बात को अभी जो मोदी साहब ने अभी बोली हाल में ही, इसे कितने लोगों ने पसंद किया, 50,000 लोगों ने। और कितने लोगों ने नापसंद किया, 1,40,000 लोगों ने। उस समय मैंने देखा था, उस समय की भी मैं देखता रहता हूं, तो उस समय आप देखेंगे कि 1,000 भी अनलाइक नहीं थे। समझ रहे हैं, जब हमारे प्रधानमंत्री ने मन की बात शुरू की थी, तो एक तरह से आप समझिए कि उस समय और आज के हमारे प्रधानमंत्री में जमीन आसमान का फर्क है। आज हमें क्या चाहिए, रोजगार, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य। एक समझिए कि हम कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा बैठे थे, सीधा कहने का मतलब ये है। क्योंकि आपने देखा है लॉकडाउन के टाइम, देखिए आप लोग, मैं अपनी नहीं छोड़िए, मैंने कभी भी भरोसा इस तरह का नहीं किया था कि हमारी जनता अगर मरेगी लॉकडाउन के टाइम भी, तो हमारे प्रधानमंत्री साहब चुप बैठेंगे। समझ में आए? और आपने देखा होगा एक तस्वीर बड़ी एक तरह से मीडिया पर दिखाई भी दी होगी आपको, वायरल हुई थी, एक महिला अपने बच्चे को जन्म दे रही है, उसके बाद फिर उठ के वो चलने लगती है। तो ये तो 1947 के पहले की स्थिति से भयानक स्थिति देखी गई है। और एक बात आप लोग याद रखिए, यही जो आज इस पार्टी को जो सत्ता में घमंड है, यही घमंड एक समय कांग्रेस को था कि हमारे सिवाय कुछ नहीं है, जनता ना के बराबर थी उनके लिए। 1975 में आपने देखा इंदिरा गांधी ने किस तरह से आपातकाल लगा दिया, बिना जनता से पूछे कुछ भी किए, तो जनता ने किस तरह से धक्का देकर कुर्सी से बाहर कर दिया, इसे आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। और आज आप सोचिए कि प्रधानमंत्री साहब आपको दूसरी बार इतना, मतलब बहुमत के साथ जिताया, तो जनता का भरोसा था, लेकिन अब भरोसा वो गिरता जा रहा है। अभी कई आपको वीडियो मिल जाएंगे, कभी जाकर देखिए आप लोग, उसमें कहेंगे प्रधानमंत्री साहब बोलते थे कि मेरा सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करे। वहीं आपने लॉकडाउन में देखा है कि हमारे, मतलब गरीबों को मतलब रेलवे की सुविधा नहीं हुई, और अमीरों के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमीरों को नहीं ले आना चाहिए था विदेशों से, ले आना चाहिए था, वो भी हमारे देश के नागरिक हैं। लेकिन अगर मानिए, चलिए वोट तो आपने, आपको उनने भी दिया है, गरीबों ने भी दिया है, तो चलिए अगर आप उन पर 50,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो 500 रुपये अगर किसी गरीब पर कर देते क्या फर्क पड़ता आपके लिए। जो इतना मैं भी देखिए बड़ा प्रशंसक हूं प्रधानमंत्री साहब का, लेकिन अब मेरा भी भरोसा कम होता जा रहा है। आप लोगों का पता नहीं देखिए कि किसका कितना है, लेकिन जब समय हमारे देश में प्रधानमंत्री साहब आए थे और जो उनकी बात हुआ करती थी, मैं कभी मिस नहीं करता था मन की बात को, लेकिन आज भी सुनता हूं, लेकिन वो बात नहीं रही। तो इसमें हो सकता है, देखिए आप कहेंगे कि हो सकता है आप सब मिलकर, अगर इस तरह की आपके भी दिमाग में एक तरह से गुड़ गोबर भरा हुआ है, तो आप कह देंगे कि वो प्रधानमंत्री साहब ने, ये तो नेहरू की कर्म बात है या गांधी की या किसी और की, तो ये आप पर निर्भर करती है। लेकिन हम सभी छात्र, अगर आप छात्र हैं, तो आपकी मांग होनी चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरी, रोजगार। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री देखिए कि कुत्तों पर बात कर रहे हैं, पशुओं पर बात कर रहे हैं। आपने देखा है कि मीडिया तो एक तरह से बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है देश में। आप देखिए कि बाढ़ से पूरा बिहार पटा हुआ है, बिहार में चुनाव की बात कर रहा हूं इसलिए बिहार का परिप्रेक्ष्य ले रहा हूं, लोग भूख से मर रहे हैं, वहां दिखाने का उन्हें टाइम नहीं है, एक केस को लेकर बैठ गए। और आप देख लीजिए, ज्यादा समय नहीं है आप लोगों के पास, आप देखेंगे आने वाले समय में कि बिहार में पूरा एक मुद्दा पर, मतलब एक केस पर पूरा चुनाव खत्म हो जाएगा। कोई गरीबी नहीं, कोई बेरोजगारी, रोजगार, अस्पतालों की किसी कैसी भी हालत बनी रहे। तो मुझे लगता है कि हमें जब गद्दी मिलती है तो हम बहुत कुछ करने की सोचते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हमें जब उस माहौल में पहुंच जाते हैं, तो हम काम करने में
मुझे नहीं लगता है कि उस हिसाब से हम रहते हैं। आज खुद आप देख लीजिए, जब प्रधानमंत्री ने जब शुरू की थी मन की बात, उसमें देखिए आप लोग की सभी एंगलों को लिया जाता था। बड़ा मतलब प्रभावकारी उनका जो भी सोचिए आप लोग भाषण हुआ करता था। आज की बातों को आप देखिए, कोई सीरियसली नहीं ले रहा है, समझ रहे हैं? अभी अगर आप सोचिए कि आप सोचेंगे कि जनता उन्हें इतना चाह रही, देखिए जनता के पास दूसरा विकल्प नहीं है। कांग्रेस की हालत आप देख रहे हैं, वो अपने ही बिछाए जाल में फंसती जा रही है। तो देश में वो होती है जब दो, आप समझिए कि आपका दुश्मन बिल्कुल कमजोर है तो आप क्या आसानी से जीत जाएंगे? मजा तो तभी आता है ना कि आपका दुश्मन भी तगड़ा है और आप भी तगड़े हैं, तब लड़ाई का मजा आता है। लेकिन इस देश में हमारे में नहीं देखा जा रहा है। अभी देखते हैं आप लोग की एक हिंदू धर्म या फिर मुस्लिम, इस तरह के मुस्लिम किसी ना किसी मुद्दे को लेकर चुनाव खत्म हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब बदल रही है परिस्थिति, क्योंकि आपने देखा है इस बार तो मैंने भी अभी देख रहा था, ट्रेंडिंग कर रहा है अनलाइक लाइक, तो मुझे लगा कि इसमें देखना चाहिए क्या प्रॉब्लम है। अभी आप सोचिए कि अभी पेपर कराने की, मुझे नहीं लगता है कि अभी आप सोचिए कि क्या स्थिति बनी हुई है, उसमें पेपर कराने की सोच रही है, और कहीं जहां तैयार हैं बच्चे उनके बारे में नहीं सोचा जा रहा है। सब कोई चुप बैठा हुआ है, मतलब बीत अभी मतलब किस संकट की घड़ी से गुजर रहे हैं। और वित्त मंत्री साहब का आपने भाषण सुना होगा, क्या कहा जा रहा है? भगवान की मर्जी थी इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। अरे भाई मेरे, आप भी जानते हैं, अगर आप न्यूज़पेपर में रहे हैं तो आपने भी तो देखा है, लॉकडाउन के पहले से ही स्थिति खराब हो चुकी थी, लेकिन इतना कह सकते हैं कि जितनी उसमें कमी थी एक तरह से वो पूरी कर दी लॉकडाउन ने, कोरोना वायरस ने, आपकी इस महामारी ने। लेकिन आप कहें कि पूरा भगवान पर अगर आप निर्भर कर दें या कह दें कि भगवान ने ही बिगाड़ा है, तो मुझे नहीं लगता है कि भगवान ने ऐसा किया है, समझ रहे हैं? तो आप देख सकते हैं, आप अगर सर्च करेंगे तो आपको फर्स्ट वीडियो भी मिल जाएगा इसका, मन की बात का, उस पर आप देखिए कि 1000 भी लाइक नहीं, मतलब 1000 भी अनलाइक नहीं होंगे वहां, मतलब इतना भगवान की तरह एक तरह हम लोग प्रधानमंत्री को मान रहे थे। मैंने भी कई बार, मैं अब नहीं बता रहा हूँ, कई बार मेरे ऐसे दोस्त सब बैठे हुए, मैं भी कई बार झगड़ा कर बैठता था इतना, मैं भी मतलब प्रभाव, प्रधानमंत्री जो भी बोलते थे उसके प्रभाव में था। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से चुप्पी साध जाते हैं प्रधानमंत्री साहब, मुझे नहीं लगता है कि देखिए आज हम शायद, हो सकता है कि आप बीजेपी से लेना देना हो, किसी का कांग्रेस से हो, किसी का किसी से पार्टी से हो। देखिए ये 100 साल की बात है, हम आप बहुत से बहुत 70 साल 100 साल जी जाएंगे इसके बाद, लेकिन इसका एनालिसिस पूरा होगा इतिहास में। आप जानते हैं कि आज आप सिंधिया के बारे में जो भी पढ़ते हैं, इतिहास आप लोग अगर पढ़ते हैं बेहतर, तो उस समय आप महारानी, हो सकता है कि उस समय सिंधिया को बड़ा अच्छा बना के दिखाएगा, लेकिन आज इतिहास में हम लोग गद्दार करते हैं। आप इतिहास में देखिए ये शब्द लिखा हुआ है, गद्दार सिंधिया, रानी लक्ष्मीबाई को मरवा दिया था। तो देखिए इतिहास एनालिसिस करता है कि कौन नेता कितना प्रभावशाली था, और मुझे नहीं लगता है कि हर बात को अगर गांधी या नेहरू से जोड़ देना, कुछ इस तरह का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी वर्तमान में आप हैं। मुझे आपसे उम्मीद है, अगर कांग्रेस इतनी अच्छी होती तो हम कांग्रेस को वोट क्यों ना देते, आप समझ रहे हैं? तो मुझे लगता है कि अब प्रधानमंत्री साहब ने अगर इसको देखा होगा, इस व्यवस्था को, तो वो भी सोचेंगे कुछ। देखिए यहां देख लीजिए आप लोग, लाइक और अनलाइक, इसका मतलब आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए युवा तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से असंतुष्ट है। किसी भी राज्य की देख लीजिए आप लोग, कुछ ना कुछ गड़बड़, जितने भी पेपर होते हैं उसमें गड़बड़ी देखने को मिलती है, समझ रहे हैं? अभी तो खैर छोड़िए, इनके समर्थकों ने, मतलब बीजेपी के समर्थक हैं किसी मतलब चैनल वाले कुछ, तो उन्होंने सीधा मतलब उसमें भी यूपीएससी पर भी एक तरह से क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि जिहादी यूपीएससी। तो आप अगर यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप जानते हैं कितनी मेहनत होती है, तब जाके हमें मिलती है नौकरी, तब हम एक सिविल सर्वेंट बन पाते हैं। खैर छोड़िए, मुझे लगा कि आप लोग, कई लोग पूछ रहे थे कि इसका क्या है मैटर, तो आप देखिए अनलाइक और लाइक, ये हाल है।
एक समय हमारे प्रधानमंत्री कितना मतलब पूरे देश को बदलने की बात होती थी। पूरे आप देखिए, चाइना से बात चलने लगी थी हमारी, पाकिस्तान से समझौते होने की बात होने लगी थी, प्रधानमंत्री खुद साहब गए थे। आप नेपाल को देखिए, आज चीन को देखिए, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, अपने पड़ोसियों की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन आज आप देखिए लगभग सबसे रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं हमारे। और हर आपके विदेशी, किसी भी विदेश, जो भी विशेषज्ञ है विदेश नीति में, वो यही बात बोल रहा है कि आप एक तरह से इसमें झांक लीजिए, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग चाइना की बराबरी करने की बात कर रहे हैं, हम लोग चाइना, किसी भी अमेरिका की बराबरी कर, तो उस जैसी सोच रखनी होगी हमें, हमें आगे बढ़ना होगा। सबसे भयानक स्थिति लगी देखिए, जब ट्रेन के नीचे आपने देखा है 8 से 10 मजदूर कट के मर चुके थे, उस पर भी प्रधानमंत्री साहब ने कुछ नहीं बोला। हम सबने एक एक रुपया देके, जिसके पास जितना रुपया था पीएम फंड में दिया, उसके बाद कोई आईटीआई से मांगता है, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जो शुरू में थे, अगर वो आज होते तो दे देते। आपने देखा है आरटीआई के तहत जो भी दायर की गई थी आज का, उसे खारिज कर दिया जाता है, बोल दिया जाता है कि पीएम फंड जनता के हक में नहीं आता है, ऐसा कुछ बोल दिया जाता है। जैसे हमारा पैसा हम आप सबने इकट्ठा किया, हमें जानने का अधिकार तो है कि आखिर कहाँ खर्च किया जा रहा है। आज अगर आप देखिए, मुझे नहीं पता है कि आप में से अधिकतर लोग समर्थक होंगे, मैं भी देखिए प्रधानमंत्री साहब हैं हमारे, ना तो किसी के हैं, हमारे देश के हैं, तो हम सब सम्मान करते हैं, समझ में आए। लेकिन अगर आपको अभी भी लगता है कि जनता बेवकूफ है, तो ये गलत है। मुझे लगता है दिल्ली में किस तरह से नकार दिया, हाँ कुछ भक्त हैं वो लगे रहेंगे, उन्हें ना अपने बच्चों की जिंदगी से लेना, ना किसी नौकरी से, उन्हें तो भक्ति करने से मतलब है, गुलामी करने से मतलब है। 200 साल तक आप सोचिए अंग्रेजों ने क्यों राज किया हमारे देश पर, एक सबसे बड़ी यही समस्या थी कि हमारे देश में अपने एक दूसरे पर अत्याचार हो रहा है, हम खुशी होकर तालियां बजाते थे। और आज आप देखिए कि हमें नौकरी के लिए आपको आवाज उठानी चाहिए, जो भी नेता है, मैं तो कहता हूं कि सब, हम जो भी कार्यकर्ता है चाहे नेता है, सबको बोलना चाहिए नौकरी आनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए, ये मुद्दे होने चाहिए मेन चुनाव के। और दिल्ली की मैं जनता की हमेशा बोलता आया हूं कि आज हमें लोग शायद दिल्ली की जनता को फ्री का बोल रहे हैं, कुछ भी गाली दे रहे हैं, लेकिन इतिहास में उनकी बढ़वाई होगी आज से 100 साल, 200 साल, 500 साल बाद। उसके बाद हम लोगों को, आप सोचिए, बाकी राज्यों को धिक्कारा जाएगा जनता को, और दिल्ली की बढ़वाई की जाएगी कि हाँ दिल्ली था, क्योंकि आपने देखा है गृह मंत्री साहब, सभी सांसद, सभी मुख्यमंत्री उतरने के बाद भी अरविंद केजरीवाल को नहीं हरा पाए, क्योंकि उसने काम किया था, हकीकत थी। कभी आप जाकर देख तो लीजिए वहां, हमें स्वास्थ्य शिक्षा तो दीजिए मालिक साहब, हमें कुत्ता बिल्लियों की बात में समझाता रहना, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप समझाइए कुत्ता के बारे में, बिल्ली के बारे में, मोर के बारे में, लेकिन हमें रोजगार तो दे दीजिए, खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं। तो आज हो सकता है कि आप भक्ति कर रहे हैं बीजेपी की, तो आप, हो सकता है कि 200 साल जी जाएं, लेकिन इतिहास कभी माफ नहीं करेगा कोई भी हो। देखिए अगर आप बच्चों की जिंदगी से खेलते हैं, तो मुझे लगता है कि जागती है जनता, लेकिन देर लगती है थोड़ी। जिस दिन आप उसका, उसे दूसरा विकल्प मिल जाएगा, वो आराम से आपको हटा देगी गलती से, और अभी दूर दूर तक इसलिए विकल्प भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए आप देख रहे हैं कि आप लोगों को गद्दी दे दी है। खैर छोड़िए, जो भी होगा देखा जाएगा। आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि आप भक्ति छोड़िए, ठीक है, आपका कोई मतलब निकल रहा है, फायदा हो रहा है, तो आप बीजेपी की, कांग्रेस की, किसी की भी भक्ति कीजिए, लेकिन अगर आप छात्र हैं, तो मुझे लगता है कि पुरानी सरकारों को कोसने की बजाय वो वर्तमान सरकार पर दबाव डालिए, वर्तमान सरकार को जिम्मेदार ठहराइए, ठीक है, और शिक्षा की बात कीजिए, अपनी नौकरी की बात कीजिए। आपको कोई मतलब नहीं है कि बीजेपी जीत रही है, हार रही है, या कांग्रेस हार रही है, या आप पार्टी हार रही है, या सपा, बीएसपी, कोई भी पार्टी आए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे नौकरी की जरूरत है, ये तुम्हारा होना चाहिए। सोशल मीडिया पर आप लोग छाए हुए हैं, देखिए कभी जाकर, मैं तो सोशल मीडिया बंद ही कर दिया, फेसबुक, क्योंकि
क्योंकि इतना मतलब एक तरह से सोचिए नफरत भरी हुई है। इस नफरत से क्या लगता है आपको, बढ़ पाएंगे हम लोग? क्या आपको लोगों को लगता है कि चाइना की बराबरी कर पाएंगे? अभी देखा कि फ्रांस से राफेल मंगाए गए 5, उसके बाद हमने देखा कि देश में कितनी तालियां बज रही थी। अरे बेवकूफो, एक बात तो कम से कम दिमाग में रख लेनी चाहिए कि मानता हूं कि हमारे सैनिकों को मतलब कुछ ताकत मिलेगी, लेकिन एक बात आप खुद भी तो सोच सकते हैं। फ्रांस से आपने के पास पैसा था, आपने खरीद लिया। आपका अगर चाइना दुश्मन या पाकिस्तान जाता है, वो भी खरीद सकता है। तो आप समझिए कि उसी तरह है कि आप दुकानदार पर के पास जाते हैं, एक गन खरीदते हैं, तो आपकी भी वही गन दे देता है और आपके दुश्मन को भी वही गन दे देता है। और अगर राफेल खरीदने से अगर शक्तिशाली बनते होते तो फ्रांस से पूरी दुनिया डर रही होती, क्योंकि वो तो खुद बना रहा है, आप तो खरीद रहे हैं। तो इतना तो कम से कम आपको सोचना चाहिए। हमें तो खुशी उस दिन होगी जिस दिन हमारे देश में खुद इससे तगड़े राफेल बन रहे होंगे। और ये कैसे होगा? शिक्षा स्वास्थ्य, समझ में आए? फिर बाकी आपकी मर्जी है, आप देखते रहिए। लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगा कि कोई अगर इसी इस तरह का कोई भी प्रधानमंत्री, मुझे लगा अभी तो मेरी जिंदगी में तो अभी तक इस तरह की नकारा किसी को नहीं गया। देखिए 50,000 और 1,40,000, आप समझिए दुगने से तिगने फर्क है। क्योंकि अभी छात्रों में जिस तरह से गुस्सा है, और याद रखिए इस 50,000 में वही लोग हैं जो एक तरह से भक्त हैं, जो ये एक तरह से उन्हें कोई मतलब नहीं है रोजगार से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, उन्हें भक्ति से मतलब है केवल। अरे और आपको अगर लगता है कि सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं सरकार की गलत है, आप लोगों को डेली बताता हूं, जनधन खाता योजना, स्वच्छ भारत, कितनी अच्छी योजनाएं दी हैं प्रधानमंत्री साहब ने। लेकिन मैं अभी की बात कर रहा हूं, स्थिति की। अगर आपको लगता है कि गलत है, तो कभी अपनी माँ बहन के बारे में सोचिए कि अगर आपकी माँ होती और रोड पर जन्म देती बच्चे को, तो आप पर क्या बीतती? मुझे लगता है कि अगर आप तब भी हंसते हैं और आपको लगता है सब तमाशा है, तो आपको तो इंसान कहने में भी मुझे लगता है शर्म आएगी। कि कोई महिला अगर बच्चे को जन्म देती है, तो आप जानते हैं कि उसका दूसरा जन्म होता है उस महिला का, इतनी पीड़ा होती है उसे, उसके बाद भी आप लोग तालियां बजा रहे हैं, उल्टा सीधा लिख रहे हैं उसके बारे में। कोई खुशी से नहीं मरता है, कोई ट्रेन के आमने सामने आके उसके बाद लिख रहे हैं कि गरीब थे मर गए साले। अरे कम से कम सोचने से पहले कुछ मतलब बोल देते हो बिना सोचे, गरीब क्या होता है, क्या उखाड़ लिया तुमने, क्या बोल के क्या साबित कर रहे हो? मूर्खों के बारे में मुझे कुछ बात नहीं करनी है। आप लोग छात्र हैं मुझे लगता है, तो आप लोग बेहतर तैयारी करिए और जो भी एग्जाम आएगा, और आप याद रखिए उस पार्टी को वोट हमेशा देना जो आपके लिए सोचती हो, आपकी जनता के लिए, आपके परिवार के लिए, या आपकी शिक्षा स्वास्थ्य के बारे लिए। एक देखिए आप लोग पूरे हर भारत में कोई भी हो, अमीर हो गरीब हो, स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार, ये तीन मामले हैं पूरे सबके। अगर ये तीन उपलब्ध करवा दें, तो आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर छोड़िए, चलिए आप लोग सोचते रहिए जो भी हो।